एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है सैटरडे और 15th है, आज 15th मई है। और अभी सुबह से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मेरी आज की क्लीनिंग होगी। वीक एंड में मैं किस तरीके से अपने घर की साफ सफाई करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मुझे एक तो ये बालकनी जो है उसको क्लीन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लीन करनी है। जब भी वीकेंड में जब भी मैं ऐसे काम करती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, तो सबसे पहले मैं नाश्ता ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि ये वाली जो क्लीनिंग है रोज़मर्रा की क्लीनिंग से थोड़ी अलग होती है। रोज़मर्रा में तो मैं सिर्फ झाड़ू और पोछा करती हूँ, और उन जगह की क्लीनिंग करती हूँ जहाँ पर हमारे बार बार हाथ लगते हैं, जैसे कि सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, और या फिर साइड टेबल्स वगैरह हो गई। और बाकी वीकेंड्स पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें साफ़ करती हूँ जो मतलब जिन पर बहुत धूल आ जाती है, और सिर्फ जो कपड़े से साफ़ करने से साफ़ नहीं होती है। तो कुछ ये मेरे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जिनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, हमेशा ही ऐसा करती हूँ। और फिर जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ। जितना ज़्यादा हम घर को डेकोरेट करके रखते हैं, पेड़ पौधों से सजाते हैं, उतनी ही फिर घर केयर मांगता है। हर चीज़ को साफ़ करना ज़रूरी है। पेड़ पौधे भी जो हम लोग अपने घरों के अंदर लगाते हैं, इंडोर अपने रूम वगैरह में लगाते हैं, तो उनको नहीं साफ़ करें तो उन पर बहुत धूल इकट्ठी हो जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। और अभी ये वाला मेरा जो DIY है, ये मेरे हाथ से टूट गया, एकदम से मेरे हाथ से छूट गया। इसके नीचे वाला जो बोल था कांच वाला, वो टूट के अलग हो गया। बहुत काम पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से फिर क्लीनिंग हुई। और कभी कभी हो जाता है ऐसा नुकसान। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा DIY को कर लूँगी, ऐसा तो कोई दुख वाली बात नहीं है। लेकिन ये था कि मुझे कांच से बहुत डर लगता है, कांच की सफाई। मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि मुझे बहुत बुरी तरह से कांच चुभे हैं, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग वगैरह भी हो चुकी है। इसलिए मुझे कांच के टूटने से थोड़ी सी घबराहट होती है। ऐसे ही डाइनिंग टेबल मैं ऊपर से जो होती है उसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, और चेयर भी मैं ऊपर से जैसे सीट वगैरह क्लीन कर देती हूँ। लेकिन इस तरीके की क्लीनिंग मैं सैटरडे या फिर संडे वाले दिन करती हूँ, जिसमें इसके हर कॉर्नर को साफ़ करती हूँ, और जो डाइनिंग टेबल के लेग्स जो होते हैं उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये वीकेंड पर ही हो पाता है, डेली में तो नहीं हो पाते हैं ऐसे काम। ऐसे ही वीकेंड पे मैं जो मेरी बालकनी है उसको क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जो भी डेकोरेटिव आइटम्स मैंने अपनी बालकनी में लगा रखे हैं, एक बार इनकी भी डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत धूल इकट्ठी हो जाती है और बहुत ही गंदा लगता है फिर बालकनी में खड़ा होना भी। और बालकनी में जैसे मौसम अच्छा है तो मैं अक्सर बाहर बैठने लगी हूँ, तो फिर मुझे लगता ही है कि इसको साफ़ कर देना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप फ्रीक्वेंटली ऐसे क्लीनिंग करते रहें तो फिर सफाई आराम से हो जाती है, बहुत मेहनत नहीं मांगती है। आजकल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैंने अपना वेट लॉस किया है तो उसके बारे में बताया कि कैसे किया है। थोड़ा बहुत ही वेट लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, लेकिन उसमें मेरे घर के काम भी शामिल हैं जो मैं करती रहती हूँ। पहले तो मैंने मेड लगाई हुई थी, 1 से 1.5 महीना मेरे घर मेड आई है, लेकिन आजकल नहीं है। और मैं ऐसे 1 महीने से इस तरीके से लगातार काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे वेट पर भी इसका काफ़ी असर हुआ है।
ये है मेरे कुछ प्लांट्स और कुछ DIY प्लांटर्स भी। मेरे पास क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि मैं अपने बालकनी का टूर कराऊं, तो बस जितना दिखाती हूँ उतनी ही है ये बालकनी। और ये मैंने जो प्लांटर बनाया था ऊपर आप देख रहे हैं, वो मैंने हार्पिक से बनाया था। और ये मेरा स्पाइडर प्लांट जो अंदर रहता है ये बाहर आ गया है, इसको मैंने बाहर रख दिया है। और ये भी मेरा DIY प्लांटर है, जिसमें ये गर्ल जो है, छोटी सी लड़की, इस बगिया में फूल तोड़ने के लिए आई हुई है। एक बार मैंने बताया था आपको, दिखाया भी था, और उसके पीछे की आपको स्टोरी भी सुनाई थी। बहुत ही क्यूट सा है ये। इसके अंदर मैंने जो छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ये भी मेरा DIY प्लांटर है, ब्लू कलर का, और इसका आपने वीडियो देखा भी होगा। तो झाड़ू मैंने घर की लगा ली है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो हफ्ते में 2 बार क्या करती हूँ मैं, विनेगर जो होता है वाइट वाला, वो मैं इसमें एक जो, जैसे कह सकते हैं, जिसका एक कैप होती है ना, वो भर के पोछे के पानी में डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है, विनेगर से तो वैसे भी इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और दूसरा क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, एकदम से शाइन आ जाती है फ्लोर में, कभी करके देखिएगा। तो इसे अच्छे से मिला कर फिर घर में पोछा लगा लेती हूँ। और सबसे पहले मेरा मंदिर वाला रूम जो है वो, उसमें पोछा लगाती हूँ, उसके बाद किचन में लगाती हूँ, और फिर बाकी और जगहों पर पोछा लगाती हूँ। क्लीनिंग वाला जो ये कपड़ा है, हफ्ते में इसको भी अच्छे से डिटर्जेंट से क्लीन करके फिर ही मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि इस पे इतनी धूल इकट्ठी हो जाती है, अगर इसकी हफ्ते में एक बार अच्छे से इसको धोना लें तो फिर इससे क्लीनिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर धूल इकट्ठी हो जाती है। तो जब आप क्लीनिंग करते हैं तो हफ्ते में एक बार अपना क्लीनिंग वाला कपड़ा भी ज़रूर धोएं। और अब है थोड़ी देर मेरे लिए फुर्सत के पल, आधा घंटा, जिसमें मैं बैठ के पानी पीऊँगी, साथ में आप लोगों के मैसेजेस वगैरह हैं वो भी चेक करूँगी, और अपनी दोस्तों के मैसेजेस वगैरह भी चेक करूँगी। आजकल जैसे माहौल चल रहा है, इस हिसाब से मैं क्या करती हूँ, जो मेरे दोस्त जिनसे मेरी बहुत ही कम बात होती है, उनको ज़रूर मैसेज करके हाय हेलो उनके हाल चाल पूछ लेती हूँ। पता रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, सबके पास टाइम भी नहीं होता है, लेकिन एक बार सबके हाल चाल पूछ लेने चाहिए। ऐसे मैं आपके भी पूछती हूँ, आप कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आज ही मैंने, क्योंकि फ्राइडे को रात को ही मैंने क्या किया था कि बेडशीट्स वगैरह सभी बदल दी थी घर की, और फिर जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सुबह मशीन भी लगा दी थी, तो जब तक काम चलता रहा और मैं नहा कर आई तब तक ये बेडशीट सूख गई हैं, अभी इनको फोल्ड करके भी रख दूंगी। मैं अपने क्लीनिंग के काम जो है वो थोड़ा डिवाइड करके रखती हूँ, जैसे आज मेरे ये सभी काम हो गए हैं, और कल वाला जो काम है उसमें मुझे घर के जितने भी शीशे हैं वो साफ करने हैं। इसलिए ये जितने भी इस तरीके के काम थे छोटे वाले, आज मैंने एक साथ इकट्ठे निपटा लिए, और शीशे साफ करने वाला काम बहुत बड़ा होता है तो वो मैं कल कर लूँगी। ऐसे ही छोटे छोटे इस तरीके से काम डिवाइड कर लेती हूँ, तो घर भी साफ रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और मुझे ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। और अभी किचन में सारे बर्तन सूख गए हैं, सबको उनकी उनकी जगह पर फिर से सेट करना है और फिर खाना बनाना है। आज लंच में मैं कटहल की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये मेरे
घर में ना बहुत ही कम बनती है, मतलब अगर समझा जाए तो साल में सिर्फ 2 ही बार बनाती हूँ, तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। हाथ में जब आप कटहल को छील रहे होते हैं तो अच्छे से हाथों पे ना तेल लगा लेना चाहिए, ये तो खुजली हो जाती है। तो ये जो कटहल है पहले से ही छिला हुआ आया था, बस इसको मैं काट रही हूँ। इसमें जो बीज होते हैं इसके ऊपर की स्किन निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो वो मुँह में चुभते हैं। और काफ़ी दिनों से ऑर्डर डाल रही थी, कम से कम 10 दिन हो गए थे ऑर्डर डालते डालते, और आज मुझे बहुत दिनों बाद ये मिला है। सुबह मैंने इसको पानी में धोया और नमक वाले पानी में अच्छे से धो लिया था। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको काटना, लेकिन स्वाद भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। मेहनत भी ज़्यादा लगती है इसको बनाने में, लेकिन मेहनत जब इतनी करते हैं ना तो उतना ही अच्छा ये स्वाद देती है। तो यहाँ पर मैंने अभी काट लिया है कटहल को, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो गया था उसमें इसको डाल दिया है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका कलर नहीं बदल जाता है। अभी कटहल अच्छे से भुन चुकी है, कलर भी इसका बदल गया है। अब इसको अलग बर्तन में मैं ट्रांसफर कर लूंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी भुन जाता है। अब इस ही कढ़ाई के अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल फिर से डालूंगी और इसी में ही सब्जी को बना दूंगी। थोड़ा ज्यादा लगता है इसमें तेल, क्योंकि एक बार कटहल को भूनना है, फिर दोबारा इसमें तड़का भी देना है, थोड़ा सा तेल ज्यादा लेती है ये। मैंने तो फिर भी बहुत ही कम तेल डाला है, लोग काफी तेल में इसको फ्राई करते हैं। अच्छे से ये तेल गर्म हो गया है, इसमें तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी मैंने डाली, और मैंने इसमें गार्लिक डाला, थोड़ा सा मैंने हींग डाला, और फिर जीरा डाला। इसको अच्छे से मैंने भून लिया। अभी इसके अंदर चॉप्ड अनियन है वो भी मैं डाल दूंगी, और इसको भी अच्छे से भूनूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अभी प्याज भुन चुका है, इसमें फिर जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले हैं मैंने। हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, और गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर इसके अंदर डाला है, और आप चाहें तो इसमें चिकन या फिर अगर मटन मसाला है आपके पास तो वो भी डालेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाएं, जले नहीं। थोड़ा सा और पानी डाल दिया है, और थोड़ी देर तक इन्हें चलाते हुए पका लूँगी प्याज के साथ, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी एक बड़ा टमाटर था मेरे पास, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें डाला है, और इसको एक बार फिर से मैं अच्छे से चला लूंगी। और इसको ढककर मैंने थोड़ी देर तक पका लिया था मसाले के साथ। अभी इसमें मैंने ना किचन किंग मसाला भी एक बार डाल दिया है थोड़ा सा, और एक बार हींग मैंने और डाला, मुझे लग रहा था कम है क्योंकि थोड़ी हैवी होती है ये सब्ज़ी, तो मैंने 2 बार इसमें फिर हींग डाला। अच्छे से इसको फिर से थोड़ी देर तक भून लूँगी। अब इसके अंदर ये कटहल है ये मैंने डाल दिया है, 1 मिनट तक ऐसे ही चलाती रहूँगी ताकि मसाला जो है कटहल के साथ अच्छे से कोट हो जाए। नमक मैं बाद में ही डालूंगी जब इसमें पानी ऐड कर दूंगी ना, फिर उस हिसाब से फिर मैं इसमें नमक डालने वाली हूँ। पानी मैंने इसके अंदर अभी डाला है, इसके बाद थोड़ा सा और डाला था, तो इतनी कटहल के अंदर मैंने समझ लीजिए 1 ग्लास भर के फुल पानी डाला है, और इसमें नमक ऐड कर दिया है, और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक कि कटहल सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक इसको पकाना है। अगर आपको थोड़ा पानी कम ज़्यादा लगता है तो थोड़ा बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग इसे प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ना कढ़ाई में ही पका हुआ कटहल अच्छा लगता है। तो अपना काम भी करती रही मैं, बीच बीच में इसको चलाती भी रही, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है इसको, और रोटियां भी बनती रहीं साथ में कटहल भी पकता रहा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है कढ़ाई में, लेकिन स्वाद भी ना कटहल का कढ़ाई में बनकर ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कटहल की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है।
बहुत ही यम्मी बनी थी। विवेक को बहुत पसंद आई, तविशी को भी बहुत पसंद आई। तो एक बार मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से गली है कि नहीं, तो एकदम सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से कट भी रही है ये, और इसके जो बीज हैं वो भी अच्छे से कट रहे हैं। बस इसको मैं अब सर्व करूँगी। कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है इसका। तो यह है कटहल की सब्जी, आज खीरे का रायता, करेला, प्याज और रोटी। अभी लंच हम सबका हो चुका है, थोड़ी देर वॉक करूंगी मैं, 10 मिनट में लंच के बाद वॉक ज़रूर करती हूँ तो ठीक रहता है, ऐसे खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। ऊपर से कटहल थोड़ी सी हैवी होती है तो थोड़े वॉक कर ही लेनी चाहिए। एक मेरे पास रेड कलर का कुर्ता सेट है जो मैं पहनती हूँ, और मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने उसको कहाँ से मंगाया। मंगाया तो मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ही था, लेकिन अब उसका लिंक मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने ऑर्डर्स में जाकर भी चेक किया था, वो अब अमेज़ॉन पे है ही नहीं। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो शायद आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो जब भी कभी वो लिंक मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पर मैं मेरी ग्रीन टी और कुछ फुर्सत के पल जो मैं बालकनी में बैठ कर इंजॉय करूँगी। आप लोगों को भी मेरी बालकनी देखना बहुत अच्छा लगता है और आप बोलते हो कि मैं बालकनी में ज़रूर बैठा करूँ, तो सोचा चलो एक बार आपके लिए यही सही। वैसे मौसम भी बहुत ही अच्छा था। बस इतना सा ही था आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।